हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो पाइथन को लेकर के है। पाइथन में ओ लेवल पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए दिया गया निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम में आउटपुट ज्ञात करें, ये देख सकते हैं। और ए इज इक्वल टू मीट मी आफ्टर पार्टी और बी इज इक्वल टू 13 दिया गया। और यहाँ देखिए ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा यही आपको बताना है। ये लिखा गया है और यहाँ पे a प्लस बी दिया गया है, ठीक है। तो ये कोड जो है टाइप एरर जनरेट करेगा, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, एरर इनपुट। अब ये क्यों होगा इसको एक बार पाइथन प्रोग्राम पर इंप्लीमेंट करके हम देखेंगे, इसको पाइथन पर चलाएंगे, यानी पाइथन के आइडियली पे चल के वहां पर प्रोग्राम मैंने लिख रखा है और से भी कर दिया है, तो उसको हम देखेंगे चला करके एक बार कि क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि इन दोनों को कॉनकैटिनेट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कॉनकैटिनेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है दोनों को एक साथ कर देना। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मीट मी आफ्टर पार्टी और जो है B13 ये दोनों एक साथ आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए कभी भी पाइथन में इस बात की इजाजत नहीं मिलती है आपको कि आप एक स्ट्रिंग को और दूसरा जो है इंटीजर वैल्यू है इस दोनों को एक साथ कॉनकैटिनेट कर सके, तो ऐसे में आपको एरर जनरेट होगा। यहाँ पर मैं करके भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइप एरर आपको जनरेट होता हुआ नजर आएगा। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये एरर इन कोड, यही आपका आंसर होगा, बाकी यहाँ पर और कोई तो आंसर होगा नहीं, यही आपका आंसर आएगा एरर इन कोड। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है।